मोस्ट क्वेश्चन वेक्टर्स की वीडियो नंबर 10 दे रहे हैं, तो इसमें है क्वेश्चन इस पर रहेंगे, तीन बिंदुओं के समरेख होने का प्रतिबंध यानी कंडीशन फॉर थ्री पॉइंट्स टू बी कोलिनियर। मान लिया थ्री पॉइंट्स होंगे, एक है मान लिया वेक्टर एक्स है हमारा एक्स होगा, दूसरा वेक्टर वाई, मान लिया तीसरा वेक्टर जेड है, तो इसमें लेंगे वन प्लस वन इंटू एक्स प्लस का लेमडा इंटू वेक्टर वाई प्लस का म्यू इंटू वेक्टर जेड इक्वल टू जीरो। फिर इसमें कोफिशिएंट इक्वेट कराएंगे, उसके बाद लेमडा म्यू इनके कंडीशन निकल कर आती है, वन लेमडा म्यू के वैल्यूज निकल आएंगी, वन प्लस लेमडा प्लस म्यू इक्वल टू जीरो होना चाहिए फॉर कोलिनियर के लिए, नहीं समरेख के लिए। अब इस पर हम क्वेश्चन कराते हैं तभी क्लियर हो पाएगा। क्वेश्चन है हमारा वही ए बी सी तीन अशून्य असमतलीय सदिश हैं, उनके बिंदुओं से निरूपित हैं, बिंदु समरेखीय होंगे। जैसे एक वेक्टर दिया है, वेक्टर को एक्स है मान लिया वेक्टर ए माइनस टू बी माइनस थ्री सी, एंड वेक्टर वाई है यहाँ पर टू ए प्लस थ्री बी माइनस फोर सी, एंड वेक्टर जेड है माइनस सेवन बी प्लस टेन सी। अब इसमें जो प्रतिबंध लगाते हैं समतलीय होने का के लिए, यदि बिंदु बिंदु समरेखीय हैं तो वन इंटू वेक्टर एक्स प्लस लेमडा इंटू वेक्टर वाई प्लस म्यू इंटू वेक्टर जेड इक्वल टू ज़ीरो। जहाँ पे ये लेमडा म्यू भी कांस्टेंट होंगे, अदर कांस्टेंट होंगे, क्योंकि एक अदिश की सदिश से मल्टीप्लाइंग करते हैं तो वो क्या होता है, ज़ीरो होता है। तो वही कंडीशन यहाँ पे अप्लाई कर दिया है, वन इंटू एक्स यानी कि वेक्टर ए माइनस टू वेक्टर बी माइनस का थ्री वेक्टर सी प्लस लेमडा, एंड वेक्टर वाई का टू ए प्लस थ्री बी माइनस फोर सी प्लस का म्यू, एंड ये हो जाएगा सेवन बी प्लस टेन वेक्टर सी इक्वल टू ज़ीरो। अब यहाँ पे ए वाले एक साथ ले लेंगे, वन माइनस वन प्लस टू लेमडा माइनस सेवन, नहीं नहीं उसमें कोई है ही नहीं। अब वेक्टर बी वाला ले लो एक साथ, माइनस का टू प्लस का थ्री लेमडा माइनस सेवन म्यू, प्लस वेक्टर सी वाले कोफिशेंट एक साथ ले लेंगे, ये हो जाएगा माइनस का थ्री माइनस का फोर लेमडा प्लस का टेन म्यू इक्वल टू ज़ीरो। अब जीरो में वेक्टर ए भी होगा, जीरो इंटू वेक्टर ए जीरो है तो उसके लिए जीरो इंटू वेक्टर ए, जीरो इंटू वेक्टर बी, जीरो इंटू वेक्टर सी, इस तरह से उसको लिखा जा सकता है जीरो को। इक्वेटिंग द कोफिशेंट्स ऑफ वेक्टर ए वेक्टर बी एंड वेक्टर सी, वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी के गुणांकों की तुलना करने पर, इक्वेटिंग द कोफिशेंट्स ऑफ वेक्टर ए वेक्टर बी एंड वेक्टर सी यानी वन प्लस टू लेमडा इक्वल टू जीरो, कोफिशेंट ऑफ वेक्टर ए यहाँ पे जीरो है, एंड कोफिशेंट ऑफ वेक्टर बी हो जाएगा ये, एंड कोफिशेंट ऑफ वेक्टर सी इक्वल टू हो जाएगा माइनस क्या था, थ्री था, हाँ माइनस का थ्री माइनस फोर लेमडा प्लस टेन म्यू इक्वल टू ज़ीरो। अब यहाँ से हमको लेमडा एंड म्यू का वैल्यू फाइंड करना है, यहाँ से हो जाएगा टू लेमडा इक्वल टू माइनस वन, लेमडा इक्वल टू माइनस वन बाई टू, म्यू निकाल लें इसमें रखो या इसमें किसी एक में वैल्यू पुट कर देंगे, म्यू निकल आएगा माइनस टू प्लस का थ्री लेमडा है माइनस का वन बाई टू माइनस का सेवन म्यू इक्वल टू ज़ीरो, माइनस टू माइनस का थ्री बाई टू इक्वल टू सेवन म्यू, यह हो जाएगा माइनस का सेवन बाई टू इक्वल टू सेवन म्यू, एंड कैंसिल हुआ म्यू इक्वल टू आया माइनस वन बाई टू। चेक करके देखते हैं वन प्लस लेमडा प्लस म्यू जीरो है कि नहीं, वन प्लस लेमडा प्लस म्यू, वन लेमडा है माइनस वन बाई टू, म्यू भी माइनस वन बाई टू, वन माइनस वन इक्वल टू ज़ीरो, यानी वन प्लस लेमडा प्लस म्यू इक्वल टू जीरो आ रहा, हैंस यह जो बिंदुस हैं समरेखीय हैं यानी कि आर कोलिनियर। इसी तरह से इस पर कोई भी क्वेश्चन हो वन लेमडा म्यू में ही टर्म में ही क्वेश्चन करना है, तो कोई सा भी क्वेश्चन हो सकता है, ए बी सी के टर्म में दिया है, ए बी सी के टर्म में, आई जे के टर्म में भी वेक्टर फॉर्म दी जा सकती है, ऐसा कुछ नहीं ए बी सी के टर्म में दिया हो। एक क्वेश्चन है जैसे हमारा वेक्टर ए मान लेंगे आपके टू आई प्लस थ्री जे प्लस फोर के दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंड वेक्टर बी आई माइनस का थ्री जे प्लस का फाइव के है, वहाँ पे एक्स बाई जेड इसलिए मान लिया क्योंकि ए बी सी के टर्म में दिया था, एंड वेक्टर सी हुआ नाइन जे प्लस सिक्स के, समरेखीय हैं ये हमको सिद्ध करना है, समरेखीय हैं या चेक करेंगे समरेखीय हैं कि नहीं है, तो वही कंडीशन लगाएंगे, यदि समरेखीय हैं तो, यदि समरेखीय हैं तो वन इंटू वेक्टर ए प्लस लेमडा इंटू वेक्टर बी प्लस म्यू इंटू वेक्टर सी इक्वल टू होगा जीरो, तो वन इंटू वेक्टर ए हो जाएगा टू आई प्लस थ्री जे प्लस फोर के प्लस का लेमडा, एंड वेक्टर बी हो जाएगा आई माइनस का थ्री जे प्लस का फाइव के,
एंड म्यू वेक्टर सी का वैल्यू ड्रा करेंगे, ये हो जाएगा 9j प्लस 6k इक्वल टू 0। कोफिशिएंट इक्वेट करेंगे, आई वाला हो जाएगा 2 प्लस लैम्डा माइनस का 9 म्यू, नहीं नहीं उधर कोई नहीं है, एंड जे वाला कोफिशिएंट लेंगे 3 माइनस का 3 लैम्डा माइनस का 9 म्यू, एंड के वाला कोफिशिएंट लेंगे 4 प्लस 5 लैम्डा प्लस 6 म्यू इक्वल टू 0, यानी 0 इंटू आई होगा, 0 इंटू जे होगा एंड 0 इंटू के होगा। यहाँ से आई जे के टर्म से हम कोफिशिएंट इक्वेट कर सकते हैं, आई का कोफिशिएंट, जे का कोफिशिएंट एंड के का कोफिशिएंट, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ आई जे एंड के। तो आई का कोफिशिएंट हमारा आ रहा 2 प्लस लैम्डा इक्वल टू 0, यानी लैम्डा इक्वल टू माइनस 2 आ गया है, एंड जे का कोफिशिएंट 3 माइनस का 3 लैम्डा माइनस का 9 म्यू इक्वल टू 0, एंड के का कोफिशिएंट आएगा 4 प्लस का 5 लैम्डा प्लस 6 म्यू इक्वल टू 0। अब ये कोई वैल्यू, सबको जे वाली वैल्यू लैम्डा की वैल्यू किसी एक में रख देंगे, वैल्यू निकल आएगा 3 माइनस, इसमें रख दे रहे हैं 3 लैम्डा की वैल्यू माइनस 2 माइनस का 9 म्यू इक्वल टू 0, 3 माइनस 6 माइनस का 9 म्यू इक्वल टू 0। तो ये वैल्यूस आ जाएगा हमारा माइनस 3 इक्वल टू 9 म्यू एंड म्यू इक्वल टू माइनस का 1/3 माइनस 6 हुआ, माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा, सॉरी 9 इक्वल टू 9 म्यू इक्वल टू 1, यानी 1 प्लस लैम्डा प्लस म्यू, चेक करना है 1 लैम्डा माइनस 2 है, म्यू 1 है, हो गया 0 आ गया, एंड ये जो बिंदु हैं ये समरेखीय होंगे।